मम्मी आज हैप्पी नवरे। थैंक यू बेटा, भगवान तेरे को हैप्पी न्यू ईयर। थैंक यू बेटे, सबको हैप्पी न्यू ईयर बोलो। हैप्पी न्यू ईयर, सारों को खुश रहो, भगवान करे खुश रहो। आज आपने खाना बनाया या चानू जी? नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ, मुझे अंदर जाने नहीं देते। अच्छा, हाँ कहीं बैठो आप, अपनी भी देखो। मतलब सेवा करना चाहते हैं आपकी? अब हाँ, मैं इतनी बुढ़ी नहीं हूँ, पागल है। आप किसने कहा आपको बुढ़ी हो? मैं उसको कहती बहू, अपनी बहू को। क्या मैंने कहा मैं काम करूंगी, कहती नहीं बैठो। क्या जी आप जितनी देर में वो करेंगी ना, उतनी देर में मैं दो सब्जी बना के निकल आऊंगी। आपको मुझे आराम करना चाहिए, आपने बहुत सारी पूरी जिंदगी इतना काम किया है, इतना काम किया आपने पूरी जिंदगी, अब आपका ऐश करने का टाइम है। ऐश करना क्या था, भगवान दियो तो आते ऐश करने, भगवान दियो तो सुख चूद कैसा मनाता, तुम देखे कितना सुख मिले। सारनी सारनी कर्शन वन तो छु नवरे मुबारक, नवरे मुबारक मारा छु सारनी, रुचि खाया नहीं है ना, रुचि रूते सारे भगवान के तीन धर्म और आपने सूट बड़ा जबरदस्त पहना हुआ है। ये बंदा कहेगा मैंने नहीं पहना, बड़ा जबरदस्त कलर है और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है। थैंक यू माता, आप थोड़ा तंग आते हो अभी मेरे साथ वीडियो कर करके। मेरे को नहीं, मैं तंग आती नहीं, मैं मुझे याद देनी पड़ा। क्या तो बाहर ही नहीं जाना है, मुझे साल हुआ बाहर गई को, ये बात तो सही बात है। मेरे को तो घुटन हो रहे थे, अब राजू खाता शिमला जाने को थोड़ा प्रगी है, 2 साल हो गए मेरे को, सब बुलाते रोज फोन, मैं कहा तुम आया, जिसको दिल करता मेरे को मिलने को तुम आ जाओ। मम्मी हालात बहुत अच्छे नहीं है ना, वही मैंने कहा, मेरे को हमको दुआ करना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, सब ठीक हो जाए। हाँ भगवान यही कहती कि, मैंने कहा जिनको दिल करता जो नीचे रहता, आप आते क्यों नहीं हो, ऊपर खाली है, आवाज भी नहीं आती है, मैंने कहा आपको दिल करता है मैं आपकी भी माँ हूँ, आ जाओ। जाएंगे, हम जाएंगे अभी 2-3 महीने में शिमला जाएंगे, मेरा भी बड़ा दिल करता है। मैंने कहा सब बच्चों को हमारे दिल करता है, मगर करेंगे क्या, नहीं जहाज में आ जाओ फिर क्या हो, मैंने कहा नहीं उसमें क्या, उसमें लोग नहीं। ठीक है ठीक है। अच्छी लगती मिठाई आपको? क्या मुझे अच्छी है, मुझे खीर लगती, खीर सबसे ज्यादा अच्छी लगती है। तो ये जो खा रहे हो के घर, किरण प्रसाद के घर इतनी अच्छी खीर थी, मैं क्या बताऊँ, मेरे दोस्तों ने भेजी थी आपके लिए उस दिन, अच्छी खीर आपने खाई थी, अच्छी नहीं थी? नहीं अपने घर से तो खाई, कल हम गए थे ना वहाँ नाश्ता करने, पहला व्रत था, मैंने बहुत चीज़ें बनाई, खीर तो मैं क्या बताऊँ, मुझे फिर शर्म आई। फिर आपकी फेवरेट मिठाई कौन सी है? फेवरेट मिठाई क्या है? खीर मिठाई खीर। हाँ और खाने में सबसे पनीर, पनीर आपके दांत खराब हो गए। आप बनाते सबसे अच्छा क्या हो? हर एक चीज अच्छा। चानू अच्छा खाना बनाती है, राजू जी की धर्मपत्नी? ये कुक अच्छा है, तो 50-80 हज़ार ले रहे हैं आप, क्या अब इससे ज्यादा क्या करेंगी? 80 हज़ार ले रही हैं आप? 80 हज़ार क्या बोल रही हैं? 80 हज़ार किसको, किससे ले रही हैं? 8 महीने का 80 हज़ार रिडक्शन में बोल रही हूँ मैं। मैंने कहा खाना नहीं खाती तू? अच्छा कहती नहीं खाने तो खाना ही है सुबह शाम, 80 हज़ार में दे दो। इन हालातों में माता रानी की दया से अच्छा खा पी रहे हैं, और क्या खा पी तो इसलिए रहे क्योंकि जानू जी बना रही है खाना, ये फिलॉसफी जबरदस्ती की झाड़ रहे हैं झूठ। हाँ सही बात है माता, ये छोटा बेटा आपका फिलॉसफी झाड़ रहा है जबरदस्ती की, बिना बात फिलॉसफी बोल रहा है कि खा पी रहे हैं माता रानी की वजह से, खा रहे थे अच्छी, ये नहीं हम भी खाते, ये नहीं खाएगी उसको भूखा रखेंगे दुलारी। हाँ मुझे पैसे आप किसकी तरफ हो, राजू की तरफ हो या इसकी तरफ हो? हाँ ये इसकी तरफ हो ना, बहू की तरफ है जी। हाँ इसकी तरफ। थैंक यू माता दुलारी, मैं परसों इसको कहा इसको रखेंगे, कथी रख ले, मैंने कहा हाँ, फिर मेरे साथ आज परसों से पीछे पड़ी, मैंने कहा तू कुछ रख ले कभी गिरेगी तो, मैं तो उठा भी नहीं सकती। हमारा देश त्योहारों का देश है, पूरा साल कोई ना कोई त्यौहार आता रहता है, ये त्यौहार हमें एक साथ जुड़े रहने में हमारी मदद करते हैं, परंतु आज के दिन में एक खासियत है, आज भारत के अलग अलग प्रांतों के अलग अलग त्योहारों की लड़ी को एक माला में पिरो दिया गया है। आज के दिन हिंदू नववर्ष की शुरुआत भी है, इसके साथ साथ नवरात्रि, उगाड़ी, गुड़ी पड़वा, बैसाखी, विशु, पुथानदू, जुड़शीतल, चेटी चांद, बुहाग, बिहू, पोला बैशाख और कश्मीरी हिंदुओं के लिए नवरे हैं।
मैं आप सभी को और आपके परिवार के लोगों को इन त्योहारों के लिए अपनी शुभकामनाएं भेजता हूं। पूरी दुनिया एक विचित्र और मुश्किल दौर से गुजर रही है। मेरी प्रार्थना है कि अगले साल हम सब इन महत्वपूर्ण दिनों को उतनी ही निश्चिंतता और हर्षोल्लास से मनाएं जितनी हम कोरोना के दौर से पहले मनाते थे। अब मेरे कश्मीरी भाइयों, बहनों, बच्चों और बुजुर्गों के लिए मेरा संदेश कश्मीरी में। नमस्कार मारा तो सारनी छू नवरे सुंद हथ हथ मुबारक। माता जगतम्पा ते माता दुर्गा भगवती थेवनव उर्जू दुर्कट सेहत सलामत खुश ते खुशहाल। तो सारनी छू म्योन वर्चुअल नालमुत। ये हालात गसन ठहक ना पत करो असल पेठ जान पेठ असल नालमुत खुश रोजियो जल्दी मिलो कशीर मन से। एक बार फिर से दोस्तों इन सभी त्योहारों के लिए आप सबको मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। कितने आप तो कितने साल से बुन रहे हो? जब से तुझ पैदा हुआ तेरी 10 टोपियां थी 50 स्वेटर थे 1 स्कूल के फिर घर के फिर बाहर के आपने बनाए थे सारे सारे और कौन बनाता। हम रेस लगा देते सहेलियां सारी जो जल्दी खत्म करेगा वो समोसे खिलाएगा जो जल्दी खत्म करेगा वो सब्जी खिलाएगा। अच्छा। सारे बाहर बैठे थे रेशमा की बहू नीलम मैं प्रेम सुधा रानी मोहनी जो खिलाना पड़ता था। और कितने आपने फास्टेस्ट कितनी देर में बनाया जिसका खत्म होता वो खिलाता था। पर आपने ऐसा कौन सा रिकॉर्ड बनाया था कि 2 घंटे में 4 घंटे में या 3 दिन? ना ना ये जो ऊन है ना ये कौन पहले खत्म करेगा? अच्छा एक गोला ये गोला कौन खत्म करेगा वो समोसा खिलाएगा चाहे 10 दिन में खत्म हो जाता। आपने बहुत सालों तक बनाया मेरे लिए स्वेटर बहुत राजू और तेरे को तो स्वेटर इतने थे ट्रंक भरे हुए थे डबल डबल ठंड थी ना एक ठंड थी और स्कूल का फिर बाहर जाने का और तेरे को मिलिट्री वालों के साथ ड्रामा करना था मिलिट्री वालों के साथ था ना गेटर में इतना छोटा सा था पता नहीं क्या कर रहा था तू मुझे समझ ही नहीं अब तक आया क्या था तू मतलब क्या करता था मतलब पता नहीं उनके साथ काम करता था ना गेटी थिएटर में काम आर्मी वालों का मैंने प्ले किए थे प्ले बहुत करे आपने तो करा था फिर निकलते समय मुझे क्या था मैं आज मेरा ड्रामा देखने आना आज मेरी टीवी उस पर रेडियो पर पर आप जब मैं अच्छी एक्टिंग करता था आपको आप ज्यादा बोलते नहीं थे पापा बोलते नहीं थे। मैं हैरान हो रही थी तो ज्यादा समय मुझे बोलता था कि मुझे मेरे से डरता था मैं आपसे डरता था अभी भी डरता हूँ नहीं डरता था कि ये गुस्सा करेगी तू कुछ बन ले मैं इतनी पता राहुल ने भगवान दीनस ने ये माने सडनली शी हैज स्टॉप डिसाइडेड नॉट टू से दिस भगवान दीनस अच्छा दादी को कहना मैंने ये से लिया। बॉलीवुड इंडस्ट्री की हर खबर और नई वीडियोस देखने के लिए फेसबुक पर लाइक इंस्टा पर फॉलो और यूट्यूब पर तड़का बॉलीवुड को करें सब्सक्राइब।